निकालना है हमें ये इसका क्यूब। तो इसके लिए हमने चार कॉलम बनाए, यहाँ पर दो का क्यूब लिख दिया 8, यहाँ पर 3 का क्यूब लिख दिया 27, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करके और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 किया 12, और 3 का स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 किया 9 दूनी 18, समझ में आ गया। अब क्या है, इसे डबल कर दो नीचे, 12 दूनी 24 और 18 दूनी 36, अब इसे जोड़ दो, 27 में से 7 ले लो, 2 हासिल लग गया, यहाँ हासिल लग गया, 8 और 6 14 और 2 16, 1 और 3 4 और 1 5, 5 हासिल हो गया, 5 को यहाँ लगा दो, 5 4 9 और 2 11, 1 1 और 2 3 और 1 4, 4 हासिल हो गया, 4 और 8 12, और ये आ गया आंसर, 12 167, ये आंसर आ गया। इसी तरह से हम मान लीजिए 45 का स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, तो 5 25 125 इधर हो गया, 4 16 14 64 इधर हो गया, और बीच में हमें जो दो रखने हैं वो क्या रखने हैं, 4 4 16 50 80 और 5 25 25 64 100, और यहाँ पे डबल कर दो 160 200, ठीक है जी। अब इसे कर दो, 5 हो गया, ये 12 को यहाँ ले आओ, 12 यहाँ आ गया तो ये हो गया 312 का 2, 31 इधर हासिल आ गया, 31 हासिल आ गया तो 60 38 90, यानी 1 इधर आ गया, 6 और 3 9 और 8 17, 1 27 इधर आ गया, 27 को इधर जोड़ दो, 4 7 11 और 1 12, 6 2 8 8 9, ये आंसर आ गया।